हे गाइस, वेलकम बैक टू डिजिटल गुरुकुल। और जैसे कि हम रोज डिस्कस कर रहे हैं, आज हमारा 9th डे है ये, ठीक है। 8 बार क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, 9th डे। और ऐसे ही हमारी प्रैक्टिस चलती रहेगी जब तक आप मजबूर ना हो जाए कि मुझे भी आंसर लिखने पड़ेंगे और मुझे भी अपने आंसर चेक कराने पड़ेंगे। मैं बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं, चाहे 100 व्यूज आए, 500 व्यूज आए, चाहे 5,000 व्यूज आए, ठीक है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आप एक भी इंसान जब तक मुझे आंसर लिख रहा है, मैं आंसर राइटिंग डिस्कस करता रहूंगा। हाँ, एक भी नहीं लिखेगा तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा, पर एक भी इंसान अगर इंप्रूव कर रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। और देखिए, कोई भी आंसर जो क्वेश्चन मैं कम्युनिटी टैब पर 12, 1, 2 बजे के आसपास जो डालता हूँ, तो आप वो इस ईमेल आईडी पर भेज दीजिए, naveen1290@gmail.com, ताकि मैं आपका आंसर जो है यहाँ इंक्लूड कर सकूँ और आपको बता सकूँ और कैसे आप इंप्रूव करेंगे। देखिए, इंप्रूवमेंट की हर इंसान में जो है एक तरह से जगह होती है, कोई इंप्रूव कर सकता है। मेरे अंदर भी है, सबके अंदर है, ठीक है। चाहे किसी टॉप पोस्ट पे बैठा है, चाहे कहीं भी बैठा है, किसी भी लेवल पे है, इंप्रूव सबको करना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। देखिए, इतना क्रिकेटर खेलते हैं, रोज इंप्रूव करते हैं, रोज मेहनत करते हैं, रोज। एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, क्रिकेट एक्चुअली इंडिया में ज्यादा पॉपुलर है इसलिए, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, ये सब फालतू की बातें छोड़ते हैं। देखिए, दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तीन दिए थे मैंने क्वेश्चन, लेकिन दो तो डिस्कस करूंगा, ताकि एक क्वेश्चन आप अपने लिए आपके लिए छोड़ दूं, ताकि आप लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो कल मैं उस क्वेश्चन को फिर उठा लूंगा। देखिए, क्वेश्चन क्या था, एल्डर अब्यूज स्टडी रिपोर्ट 2018 शोज द ग्रिम कंडीशन ऑफ द ओल्ड एज इन कंट्री, ठीक है। यानी कि जो बूढ़े लोग हो रहे हैं उसके लिए एक रिपोर्ट है आई, एल्डर अब्यूज स्टडी रिपोर्ट 2018। इसमें बताया कि जो ओल्ड एज के लोग हैं उसकी, उन लोगों की सिचुएशन ठीक नहीं है देश में। हाउ फार यू थिंक दैट मॉडर्नाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन, आपको कैसा, कितना, या आपको कैसा लगता है, या फिर कितना आपको लगता है कि मॉडर्नाइजेशन देश में हो रहा है यही इसका रेस्पॉन्सिबल है, कि आज जो ओल्ड एज जो है इसके लोग हैं तो उसकी कंडीशन इसके कारण है, मॉडर्नाइजेशन के कारण। अब मॉडर्नाइजेशन देखिए कैसे भी हो सकती है, ठीक है, बहुत तरीके हैं। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं होता साइंस एंड टेक, ठीक है, ये सिर्फ मॉडर्नाइजेशन नहीं, मॉडर्नाइजेशन में सब कुछ आ जाता है। आपकी हैबिट, कोई भी हैबिट है, आपके खाने की, पहनने की, सोने की, सब चीज़ों की हैबिट में कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन आ रहा है। तो ये कह रहे हैं कि इसके कारण तो ये रेस्पॉन्सिबल नहीं है। साथ साथ में कहते हैं, ऑल्सो डिस्कस द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड गेरेट्रिक केयर, ठीक है। ये होता है बूढ़े लोगों के लिए जो केयर है उसके लिए बोलते हैं गेरेट्रिक, ठीक है। अब देखिए होता क्या, अब सपोज कीजिए ये क्वेश्चन आपने पढ़ा, लेकिन आपको पता नहीं है एल्डर अब्यूज स्टडी में क्या है। एल्डर अब्यूज स्टडी में एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन आपको कंटेक्स्ट समझ आ गया। देखिए, रिपोर्ट का सिर्फ हवाला दिया है, उसने ये नहीं कहा कि इस रिपोर्ट के हिसाब से बताइए, इस रिपोर्ट का कहीं भी जिक्र किया है, इन्होंने कहा इस रिपोर्ट में ये बताया कि इन लोगों की कंडीशन ग्रीम है, बस। किसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्यों मॉडर्नाइजेशन के, क्या मॉडर्नाइजेशन के कारण ये कंडीशन हुई है, या फिर ये गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है, इतना ही क्वेश्चन था। इस रिपोर्ट को तो समझाने की जरूरत नहीं है, रिपोर्ट के बारे में पूछा ही नहीं। ये हाँ, अगर आपने रिपोर्ट पूछी तो आपके पास एक क्वेश्चन के, या क्वेश्चन देखिए ऐसा ही होता है, क्या होता है कि 5-6 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, 3-4 तो आ ही जाते हैं जिसमें ऐसे किसी का हवाला दिया जाता है, या फिर लिख सकते हैं काफी बार किसी कोई स्टेटमेंट दी जाती है पेपर 4 में। सपोज कीजिए ऐसा काम, महात्मा गांधी ने ये बात कही, ठीक है, अब डिस्कस कीजिए या फिर एक्सप्लेन कीजिए या फिर आपके क्या व्यूज है, तो गांधी ने क्या कहा उससे मतलब नहीं है, गांधी जी ने तो स्टेटमेंट बोल दी, लेकिन आपके उस कंटेक्स्ट, उस स्टेटमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, आज के सिनेरियो में वो चीज कितना रिफ्लेक्ट होती है सोसाइटी में, क्या उसके मायने रखते हैं, वो चीज आपको जो है एक्सप्लेन करनी होती है। आपको महात्मा गांधी के व्यूज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने व्यूज, आप क्या सोचते हैं वो एक्सप्लेन करना है। तो इसके हिसाब से स्टडी रिपोर्ट तो बता दी, लेकिन आपको क्या लगता है वो यहां पर डिस्कस करना है। तो देखिए, आप ऐसे जो है एंड कर सकते हैं, ये एंड मैंने ऊपर लिख दिया क्योंकि स्पेस नहीं था कि ये बाद में, चलो मैं बताऊंगा। देखिए, आप ये बता सकते हैं वर्ल्ड, अगर आपको पता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट लेके आए या फिर डिफाइन किया है एल्डर अब्यूज क्या होता है। एल्डर अब्यूज इज ए सिंगल और रिपीटेड एक्ट और लैक ऑफ एप्रोप्रिएट एक्शन अकरिंग विद इन एनी रिलेशनशिप वेयर देयर इज एक्सपेक्टेशन ऑफ ट्रस्ट व्हिच कॉज हार्म डिस्ट्रेस टू एन ओल्डर पर्सन। यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनका ट्रस्ट टूटना, उनकी एक्सपेक्टेशन जो है कहीं ना कहीं उसको हर्ट होना, लैक ऑफ उनके लिए कोई एप्रोप्रिएट एक्शन ना निकालना, या फिर सिंगल और रिपीटेड एक्ट अब्यूज के जो होते हैं उसी को बोलते हैं हमारा एल्डर अब्यूज, ठीक है। उसके अलावा देखिए, ये कहते हैं कि देखिए जब एल्डर को जो कोई भी अब्यूज होता है, बूढ़े लोगों को जो भी अब्यूज होता है वो ह्यूमन राइट वायलेशन तो होता ही है, साथ में फिजिकल, सेक्सुअल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल अब्यूज, फाइनेंशियल, मटेरियल अब्यूज, अमेंडमेंट, ठीक है, अबेंडन कर दिया आपने, नेग्लेक्ट किया, सीरियस लॉस ऑफ डिग्निटी, ये इस तरह के सारे जो है वायलेशन देखने को मिलते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। अब देखिए क्या क्या है, पुअर फाइनेंशियल क्यों होता है ऐसा, यहाँ रीजन है क्यों होता है,
ठीक है, तो लिख सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन के कारण ये चीज होने लगी है। देखिए, पुअर फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ फैमिली, स्टेटस जो है फैमिली का काफी जो है धीरे धीरे बहुत सी जगह ऐसा हो रहा है कि देखिए इकोनॉमी के कनेक्ट कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, कि पुअर से आज भी पॉवर्टी बहुत ज्यादा है हमारे देश के अंदर। और जो है देखिए रिसोर्सेज तो बढ़ गए हैं, सोसाइटी आगे बढ़ रही है, लेकिन आज भी पुअर पीछे रह गए लोग, और जो पीछे रह गए तो फाइनेंशियल स्टेटस इतना नहीं है कि वो अपने माँ बाप की देखभाल कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटस भी उसका जो है कारण है। सेकेंड है हेल्थ केयर कॉस्ट। देखिए हेल्थ केयर की कॉस्ट इंक्रीज हो गई, पहले क्या दवाइयां बहुत सस्ती और दवाइयां भी सस्ती थी और साथ साथ में और भी चीजें जो है हॉस्पिटल में चार्जेस भी बहुत कम लगते थे, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। हेल्थ केयर जो है काफी हेल्थ केयर की कॉस्ट है वो बहुत इंक्रीज हो गई है। लैक ऑफ स्पेस, देखिए रहने की जगह बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। पहले सपोज कीजिए एक घर था और दो बेटों के नाम था, ठीक है, दो हो गया, अभी क्या हुआ उसके दो बेटे हो गए तो दो दो चार डिवाइड हो गया, तो कहीं ना कहीं स्पेस भी कम हो रहा है, जिसकी वजह से भी ये इस तरह के अब्यूज ओल्ड एज पीपल को ये जो है अब्यूज जो है झेलने पड़ रहे हैं। इंटरपर्सनल इश्यूज, बहुत बार इंटरपर्सनल इश्यूज भी देखने को मिल रहे हैं मॉडर्नाइजेशन के कारण। आपको बीच बीच में बोलते रहना कि मॉडर्नाइजेशन के कारण ये हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन के कारण क्या है, थॉट्स और व्यूज जो है ना वो काफी जो है अलग अलग होते हैं, वेरिएशन देखने को मिलती है, और उसके कारण जो है इंटरपर्सनल इश्यूज भी अराइज हो जाते हैं। एल्डर वुमेन इशू, देखिए एक और नया इशू है कि बहुत बार ऐसा माना जाता है कि जो वुमेन की एज है वो ज्यादा होती है मेन से, ठीक है, तो इस वजह से वुमेन ज्यादा जीती है, तो इसके कारण भी उनको काफी इश्यूज देखने को मिलते हैं। डिक्लाइन मॉरल वैल्यू सिस्टम, हमारी सोसाइटी की जो मॉरल वैल्यू सिस्टम है ना वो भी बहुत डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि वो ऐसा हो रहा है कि देखिए आपको पता है पहले ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, आज न्यूक्लियर फैमिली बहुत ज्यादा होती जा रही है, और इसके कारण जो माँ बाप होते हैं तो उनको काफी इश्यूज आते हैं, किस बच्चे के साथ रहना है या किसके साथ नहीं रहना है, तो वो सब इश्यूज क्रिएट होते हैं, तो कहीं ना कहीं मॉरल वैल्यूज भी जो है ना वो आज के टाइम में खराब होती जा रही है। उसके अलावा और भी चीजें आप लिख सकते हैं, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया से आप ये कह सकते हैं कि कैसे इंसान सोशल मीडिया पे तो लगा हुआ है लेकिन अपने जो घर के अंदर को जो इशू है उनको जो है सोल्व नहीं कर रहा है, या फिर मिल बैठ के जो एक पहले ज्वाइंट फैमिली में जो एक तरह से कोऑपरेशन था या फिर एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग रहता था, वो सब चीजें नहीं देखने को मिलती। कैसे भी है आप इस चीज को समझा सकते हैं, ठीक है, और चीजें इंक्लूड कर सकते हैं कुछ और आपको याद आए तो। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके लिए, दूसरी बात थी गवर्नमेंट, 10 नंबर का क्वेश्चन, तो 5 नंबर तो ये है कि क्यों सिचुएशन है मॉडर्नाइजेशन के कारण, और 5 नंबर का ये है कि क्यों क्या गवर्नमेंट कर रही है। देखिए कुछ स्कीम्स के बारे में बता सकते हैं आप, प्रधानमंत्री वया वंदना योजना, ठीक है, ये योजना के बारे में पढ़ लीजिए, इसमें क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, कितना मिलता है, इतना वो आप प्री में काम आएगा, लेकिन आपको स्कीम्स याद होनी चाहिए, ठीक है। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, ठीक है, राष्ट्रीय व्यवश्री योजना, ठीक है, ये काफी स्कीम्स आई है, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम होगी, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ ओल्डर पर्सन, तो इतना सब आप लिख देंगे ना तो आपको जो है मार्क्स कटने की गुंजाइश नहीं रहेगी। साथ में आप ये भी लिख सकते हैं कि देखिए एल्डर जो होते हैं वो हमें उस वो एक ब्लेसिंग के तरह होते हैं, बर्डन की तरह नहीं उनको सोचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप फाइनल ये भी लिख सकते हैं जो आज हम अपने पेरेंट्स के साथ करेंगे हमारे बच्चे भी हमारे साथ वही चीज रिफ्लेक्ट करेगा, तो आज हमें सोसाइटी अच्छी बनानी ताकि आने वाली सोसाइटी भी अच्छी बनी रहे, इस तरह करके कैसे भी आप जो है उसको खत्म कर सकते हैं 2 लाइन के अंदर, ठीक है, लेकिन ये सब चीजें बता देंगे तो सब आपका कवर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, देखिए हाउ फार कैन एन आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल हेल्प टैकल द एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम कितनी ठीक हो सकती है। डोंट यू थिंक इट कैन नो लॉन्गर बी टैकल्ड विद, ये कहते हैं आपको कैसा लगता है कि ये चीजें शॉर्ट टर्म चीजें जो पोल्यूशन के एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम है शॉर्ट टर्म तरीके से सॉल्व नहीं हो सकती, इसके लिए जो एक लॉन्ग मल्टी प्रोलॉन्ग सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा क्रिटिकल एनालाइज। तो क्रिटिकल एनालाइज में बता रहे नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि दोनों पार्ट आपको दिखाने, वैसे तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आप दोनों चीज दिखाएंगे ना और फाइनल पॉजिटिव सॉल्यूशन देंगे तो बहुत अच्छी बात है, 5-6 बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें आप नेगेटिव लिख ही नहीं सकते, ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव लिखिए और एक सॉल्यूशन भी बहुत अच्छा आप लिख सकते हैं इसमें, तो आप लिख सकते हैं। देखिए कहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो अडोप्ट है अगर आप अडोप्ट कर रहे हैं तो इससे एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी, जो कार्बन का एमिशन है एनवायरमेंट के अंदर वो कम होगा। इसके अलावा देखिए एक चीज बोलनी थी, कुछ लोग जो है मेल पे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो मैं मेल पे रिप्लाई करने की जगह उनको जो संडे को हमारा लेक्चर होता है या फिर संडे को हमारा जो लाइव लाइव सेशन होता है उसमें आप पूछ सकते हैं, उसमें मैं आपका एक एक चीज का जवाब दे सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इस सेशन के बीच में आपको जवाब दूंगा या मेल पे उतना अच्छे से क्लैरिटी से आपको चीज समझ नहीं आएगी, तो बेटर है कि मैं आप संडे को वो क्वेश्चन जो लाइव सेशन होता है हमारा 8 बजे, तो वो आप ज्वाइन करके वहां पर आप क्वेश्चन पूछिए जो भी आपको क्वेश्चन आते हैं।
देखिए बहुत ईजी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का आपको बताना है। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा, कार्बन एमिशन कम होगा, ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन कम होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल से नॉइज़ नहीं है, क्योंकि इंजन तो उनके अंदर वो चलता है नहीं, बैटरी से चलते हैं, तो नॉइज़ पोल्यूशन कम होगा, नाइट्रस ऑक्साइड कम होगा, और पोल्यूटेंट्स जो हैं जो हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक है, ग्रीन हाउस गैसेज कम होगी, जो कि पूरा हमारा क्लाइमेट चेंज को जो है पूरा असर डाल रही है, और मेनली कार्बन डाइऑक्साइड जो है एनवायरमेंट से कम होगी। ये सब चीज़ें तो आपको पता ही है, और गैसेज के बारे में लिख सकते हैं वो सब चीजें, लेकिन और सॉल्यूशन क्या है भैया? ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ये क्यों नहीं सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है? देखिए ये कहते हैं कि जो पोल्यूशन होता है, जो जो गाड़ी से निकल रहा है वही गंदगी नहीं है, रोड की जो डस्ट होती है जो उड़ती है वो भी जो डस्ट है ये भी बहुत ज्यादा जो है कहीं ना कहीं एयर की जो क्वालिटी है उसको खराब करती है। ये कहते हैं कि देखिए इलेक्ट्रिक पावर आप यूज कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक पावर किससे बन रही है? ये कोल बेस्ड प्लांट है, कोल से क्या होगा, कोल को जलाओगे उससे एनर्जी क्रिएट करोगे, तो कहीं ना कहीं तो आपका जो जो एम था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आए और उससे जो है आपको फायदा होगा, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ज्यादा करेंगे, तो कोल बेस्ड पावर जो प्लांट पे वो भी तो वही कर रहे हैं, तो इससे बहुत फायदा नहीं होगा। ऊपर से जो टेक्नोलॉजी अभी बहुत महंगी है, चार्जिंग पॉइंट, ठीक है, या रिचार्ज नहीं है, चार्जिंग पॉइंट आना चाहिए, चार्जिंग पॉइंट जो होंगे, गाड़ी को चार्ज भी तो करेंगे आप, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, मान लो आप कहीं गए और रास्ते में खराब हो गया, या फिर चार्जिंग खत्म हो गई, बैटरी खराब नहीं, चार्जिंग खत्म हो गई, तो चार्ज करने के लिए आपको पॉइंट्स तो होने चाहिए, उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। उसके बाद देखिए, उसके ऑलरेडी देखिए सिटीज के अंदर जो है पावर की प्रॉब्लम है, तो आप वहां पे कैसे, ये जो ऑलरेडी जहां पे घरों को बिजली मिल नहीं रही, आप गाड़ियों के लिए बिजली की प्रबंध कराएं, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। आपको ये नहीं लिखना, ये हो ही नहीं सकता, ये टास्क बड़ा है, यानी कि ये टास्क में जो है टाइम टेकिंग हो सकता है, काफी गवर्नमेंट को इसमें एफर्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद देखिए, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनता है तो नई नई कंपनियां आएंगी, नई नई कंपनियों को फिर से एस्टेब्लिश होना है, एस्टेब्लिश होने से फिर वही इश्यू, नई कंपनीज, नई जो है लैंड एक्विजिशन चाहिएगी, नए जो है उनको स्पेस चाहिएगा, तो वो सब इश्यूज आने लगेगा, तो वो भी कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं सोल्यूशन नहीं, ये और प्रॉब्लम्स है, यानी कि इन चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया है थोड़ा बहुत ये भी बता सकते हैं। देखिए भारत Stage 3 वगैरह के जो अभी तो भारत Stage 6 पे पहुंच गए हम, ठीक है, 4 के बाद सीधा 6 पे आए, 5 को हमने किया ही नहीं, तो ये जो है भारत स्टेज का जो BS6 3 4 वाले हैं, इनको सबको 3 वाले जो है, 3 वाले तो सब कुछ बैन कर देने चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए हमें कैसे जो है डीकंजेस्ट करें, यानी कि कंजेशन जो बढ़ गया सिटीज में वो कैसे कम करें, क्योंकि देखिए गाड़ी अगर 10 10 मिनट एक जगह खड़ी रहेगी तो वो चल तो रही है, गाड़ी बंद तो कोई करता नहीं है, बहुत रेयर लोग करते हैं, गाड़ी बंद नहीं की, गाड़ी चल रही तो उसका जो है वो जगह पे भी नहीं पहुंच रहा है, तो कंजेशन के कारण भी बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं, और भी अगर आपको याद आते हैं तो कुछ सॉल्यूशन लिख सकते हैं, अदरवाइज इसमें 250 वर्ड में आपको इसमें पूरा कर सकते हैं, इतना ही क्रक्स ही चाहिए होता है, ठीक है। आप ये लिख सकते हैं, देखिए शॉर्ट टर्म जो, या फिर बोल सकते हैं इस तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले सॉल्यूशन बहुत अच्छे हैं, और ये इसके तरफ गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए साथ साथ में, लेकिन और जो इश्यूज है उस पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे ये वाले इश्यूज हैं, ठीक है, इसको जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, या गवर्नमेंट को ये चीजों पर ध्यान देना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए, उसको जो है एम्पावर करना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं कि उसको जो है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किसी ने लिखे भेजा था, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, मेंशन एनी टू अनएथिकल प्रैक्टिस इन सोसाइटी टुडे एंड सजेस्ट द सस्टेनेबल सॉल्यूशन। अभी देखिए मैंने सॉल्यूशन, ये आंसर बिल्कुल नहीं पढ़ा है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, तो मैं पहली बार में ही देखूंगा कि मुझे कितना चीजें समझ आ रही इजिली, और क्या क्या जो है मैं इसको कैसे समझता हूँ, तो वही उसी तरह टीचर देखता है। मैं नहीं कह रहा हूँ टीचर जितना मैं इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन फिर भी जो पहली बार आपका आंसर जो पढ़ता है जिसको थोड़ा भी नॉलेज है, अब टीचर को 100% नॉलेज है तो मुझे 10% तो पता ही है, तो 10% के हिसाब से तो मैं आपको थोड़ा बता ही सकता हूँ। देखिए बताते हैं, एथिक्स आर मोरल प्रिंसिपल और वैल्यूज दैट गवर्न द गेट गवर्न द कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप और सोसाइटी। कितना अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा है, एंड व्हेन दिस मोरल आर नॉट फॉलोड बाय, या फिर मोरल जो भी होंगे नॉट फॉलोड बाय सोसाइटी एंड आर वायलेटेड बाय देयर इन अप्रोप्रिएट एक्शन, दे टर्न्स इन टू अनएथिकल प्रैक्टिस। देखिए यही बताने की कोशिश की, अगर हम ये प्रॉपर जो है कंडक्ट पूरी तरह से फॉलो नहीं करते तो इससे इनअप्रोप्रिएट एक्शन जो है नजर आते हैं, वो अनएथिकल प्रैक्टिस आती है। अब ये किस किस तरह की है, इन्होंने दो यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, एक तो कि इन्होंने मॉब किलिंग, ठीक है, मॉब लिंचिंग लिख सकते हैं, मॉब लिंचिंग या मॉब किलिंग, इसमें कहते हैं रीजन क्या है। देखिए, हेट ऑफ द मॉब टुवार्ड द दलित एंड अदर माइनॉरिटीज, एग्जाम्पल इन मैनी साउथ इंडियन एरियाज दलित आर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन सोशल इवेंट्स, ठीक है, तो ये हमारे एक अनएथिकल इशू है। उसके बाद इन्होंने दूसरा भी लिखा, इन्होंने कहा एलिगेशन ऑफ पब्लिक टू एनी इंडिविजुअल फॉर काउ स्लॉटरिंग, ठीक है, काउ स्लॉटरिंग का भी इन्होंने लिख दिया है। उसके बाद लिखा मॉब किलिंग हैज बीन डन सिंस
डिकेड इन द फॉर्म ऑफ, ये क्या लिखा है मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा शायद विच लिखने की कोशिश की है, विच टैग गिवन बाय द सोसाइटी टू ए वुमेन एंड डिसीजन टेकन बाय बाय द क्राउड इज सच प्रैक्टिस विदाउट टेकिंग कॉन्सिक्वेंसिज ऑफ दैट। ठीक है, आप देखिए सोल्यूशन देखते हैं, एक तो इन्होंने वुमेन से रिगार्डिंग लिखा है, काउ स्लॉटरिंग से लिखा है, और थर्ड इन्होंने लिखा है मॉब लिंचिंग। ठीक है, मॉब किलिंग। अब सोल्यूशन के लिखते हैं, दिस विल कैन बी रेडिकेटेड बाय स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर लाइक राजस्थान। ठीक है, उसके बाद जनरेटिंग द सेंसिटिविटी इन द बिहेवियर एंड माइंड सेट ऑफ द इंडिविजुअल बाई वेरियस मीन्स लाइक सोशल फ्रेंडली मूवीज। ठीक है, यूज ऑफ इंटरनेट प्रॉपरली, प्राइमरी मॉरल बिल्डिंग्स बाई पेरेंट्स। ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद देखते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस शुड बी टॉट टू ईच पर्सन वाया टेक्नोलॉजी मीन्स लाइक फेसबुक और व्हाट्सएप। ठीक है, ये सब भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, जेंडर इनक्वालिटी, पहला तो इन्होंने शायद वो पहला इन्होंने मॉब किलिंग को ही उसके ही मॉब किलिंग के अंदर जो है तीन सब पार्ट लिखे थे कि मॉब किलिंग में एक तो हेट क्राइम की तरह होता है, एक फिर जो है काउ स्लॉटरिंग भी है, और थर्ड ये जो है वुमेन को एक तरह से विच की तरह देखा जाता है। ये एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या लिखना चाह रहे, मुझे वही समझ आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा देखिए जेंडर इनइक्वालिटी, ये बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने लिखा है। रीजन क्या है, एंशियंट पैराडॉक्सियल पैराडॉक्सी टुवार्ड वुमेन, पेट्रियार्कल बिलीव इन परसिस्टेंस टिल नाउ, ट्रीटिंग वुमेन एज कमोडिटी। ठीक है, बाय टीवी एड्स पब्लिक परसेप्शन हैज बीन चेंज्ड, कॉन्सिक्वेंटली लीड्स टू द रेप्स एंड मर्डर, इनएडिक्वेट इंप्लीमेंटेशन गवर्नमेंट पॉलिसीज। सोल्यूशंस क्या लिखते हैं, एलिमिनेशन ऑफ पैट्रियार्कल माइंडसेट, एम्पावरिंग द वुमेन, एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कीम्स को इंप्लीमेंट कीजिए। हैंस द कंट्री लाइक इंडिया विद ह्यूज डेमोग्राफिक डिविडेंड शुड लुक फॉरवर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी थ्रू दिस सस्टेनेबल सोल्यूशन। अब देखिए ये थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे गलती की है, ये कि मैं मुझे कैसा लगता है कि आपका जो कंक्लूजन है ना, जो आपने ऊपर लिखा है उसी को आप कंक्लूड करते थे ज्यादा अच्छा था। आपने कहा डेमोग्राफिक डिविडेंड आ गया, शुड लुकिंग फॉर फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहां तक लिखते और उसके बाद ये लिखना था कि आपको जो है ना ये जो अनएथिकल प्रैक्टिसेज है इनको जो है धीरे धीरे करके जो है खत्म करने की जरूरत है। आपको हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट करना है, लेकिन हमें साथ में जो है ये जो अनएथिकल प्रैक्टिस जो चल रही है इसको भी कहीं ना कहीं खत्म करने की जरूरत है। ताकि आपका क्वेश्चन ये होता है कि आपकी जो डिमांड है वो लिखा, आपका ये जो ये कंक्लूजन है ये क्वेश्चन की डिमांड से मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये तो आप किसी में भी लिख सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो कंक्लूजन जो होगा आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, इस चीज पर ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा, एनालाइज इन व्हाट वे हेल्पिंग फार्मर्स प्रोड्यूस सोलर एनर्जी कैन हेल्प टू रियलाइज द गवर्नमेंट टारगेट ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम। ये कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट ए टारगेट टू प्रोड्यूस 100 गीगावाट सोलर एनर्जी बाय 2022। सोलर एनर्जी हैज बीन ग्रेट पोटेंशियल टू इकोनॉमिक इकोनोमाइज फार्मर्स प्रोडक्शन बाय वेरियस वेज। क्या क्या वेज लिखते हैं, वेज टू अचीविंग डबलिंग डबलिंग फार्मिंग इनकम्स, इंस्टॉलिंग सोलर ट्रीज। ठीक है, ठीक है, स्विचिंग डीजल मोड टू सोलर एनर्जी बेस्ड पंप्स। उसके बाद एक्सेसिव पावर जनरेशन कुड बी कॉमर्शियली यूज, यूजिंग स्कीम्स प्रैक्टिसेस सच एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बाद कहते हैं इंडिया इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस जो ग्लोबल सर्वे, दिस प्रैक्टिस आर बींग प्रैक्टिस्ड बाय कुछ कंट्रीज हैं, जापान, चाइना और जर्मनी में वो है प्रैक्टिस की जाती है। देर आर फ्यू चैलेंजेस फॉर इंडिया, इनफ कैपिटल फॉर सच बिग प्रोजेक्ट। ठीक है, कुछ चैलेंजेस हैं जैसे अभी कैपिटल इतना नहीं है, प्रोजेक्ट कैन बी हिंडर्ड ड्यू टू इनअप्रोप्रिएट क्लाइमेट कंडीशन, यूज ऑफ अराउंड 35,000 करोड़ ऑफ पीएम कुसुम स्कीम इन प्रॉपर मैनर। ठीक है, ये सब चीजें हैं, ये चैलेंज में ये चैलेंज तो लिखा है, दीज आर द फ्यू चैलेंजेस, यूज ऑफ ये चैलेंज कहाँ है, अगर पैसा है प्रॉपर मैनर, हाँ ठीक है प्रॉपर मैनर में करने की जरूरत है, ये लिख सकते हैं। तो आपको दिखना चाहिए तीनों पॉइंट में कि चैलेंजेस है, कॉम्बेटिंग दीज टाइप ऑफ चैलेंजेस कुड एनकरेज सोलर एनर्जी एंटरप्रन्योर टू वर्क विद द फार्मर्स। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है। ये कहते हैं दिस विल हेल्प इन एग्री सोलर फार्म एंड अदर एक्टिविटीज, दस गवर्नमेंट शुड हेल्प फार्मर टू प्रोवाइड सब्सिडीज एंड फाइनेंशियल हेल्प टू एक्वायर सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर टूल। देखिए ये आपका मैच हो रहा है ना, ये मैच हो रहा है इस तरह, और यहाँ पे एक और भी चेंज यहाँ पे लिख देते हैं ना, फॉर डबलिंग देयर इनकम। ठीक है, ऐसे करके खत्म कर देते तो पूरा क्वेश्चन की डिमांड जो है आपके कंक्लूजन में आ जाती। ये आपके कंक्लूजन बहुत अच्छा लिखा है, इंट्रो भी इसमें ठीक ही है। ठीक है, इंट्रो भी ठीक है, आपने एक फैक्ट के साथ शुरू किया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए फिर आज इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।